नीतीश जी विपक्ष की एकता करने के लिए पूरे देश घूम रहे हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। देखिए, सबका अलग अलग स्टेट पॉलिटिक्स है। ये सत्य है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव है तो बिहार में उनका वोट बैंक है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश का यादव उनको वोट नहीं देता है या उत्तर प्रदेश का यादव उनको नेता नहीं मानता है। बगल में अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, बिहार के लोग उनको नहीं मानता है। तो सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग जातीय व्यवस्था भी है। अब ममता बनर्जी हैं, बगल में बंगाल है, 42 लोकसभा सीट है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस विपक्षी एकता में तभी एकमत होंगे, एकजुट होंगे, जब हमारे खिलाफ में बंगाल में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं दे। ये क्या संभव है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे खिलाफ में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ है, तमाम विपक्ष एकजुट होकर के राज्यसभा में हमारे पक्ष में अपना मतदान, उसमें भी ईफ अगर बट हो रहा है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री है वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं तो वो न्यूट्रल गेम में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री वयोवृद्ध नेता देवगौड़ा जी हैं, अब उनका देखिएगा 8 दिन पहले उनका बयान आया है वो एनडीए के पक्ष में है। कल भी देखिएगा कि बिहार से जीतनराम मांझी जो सब दिन यूपीए गठबंधन के पार्ट थे, उनका बेटा मंत्री भी था, इस्तीफा दिया और कल एनडीए गठबंधन में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन में चले गए। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना बड़ा देश है, प्रजातांत्रिक देश है हिन्दुस्तान, इसमें ये कतई संभव नहीं है। आज तक कभी संभव नहीं हुआ। 77 में थोड़ा देर के लिए कुछ संभव हुआ था, वो भी खंड विखंड हो गया। इतना बड़ा देश में जहां भाषा का विवाद हो, जहां लोकल इशू हो, जातीय व्यवस्था हो, भाषा का व्यवस्था हो, उस देश में विपक्षी एकता संभव नहीं होगा। अब विपक्ष के जो लोगों का कहना है कि भाजपा हमको तंग करती है, भाजपा यदि सरकार में आ जाएगी तो किसी को जिंदा रहने नहीं देगा, ये विपक्ष का आरोप है। एक भी उदाहरण विपक्ष के लोग दे दे जिसको भाजपा तंग किया हो। अरे जब आप पर केस है, आपने चोरी किया है, आप पर ईडी जाएगा, आप पर सीबीआई जाएगा। कोर्ट का अपना एक अलग कानून है, सरकार चलती रहती है लेकिन कोर्ट का अपना एक अलग डिसीजन होता है। आज तक देश में जितना भी ईडी का छापा पड़ा है, जितना सीबीआई का छापा पड़ा है या बिहार में ही पड़ा है, वो कानून के तहत पड़ा। क्या बिहार में मंत्रालय में बेईमानी नहीं हुआ? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिहार के लोग जमानत पर है ना जी, बहुत से लोग जेल भी गए, बहुत से लोग जमानत पर भी है, बहुत लोगों पर केस मुकदमा होने वाला है। इसलिए विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।